So hello guys, welcome to my YouTube channel and we are going to focus today on a special track, Kedar Kantha track. And we are going to talk how are we going to do it on your own, do it yourself attempt it was from my side. तो हम कैसे इसको अपने आप करेंगे, कैसे कहाँ जाना है, we'll discuss it throughout our vlog. Generally, if you start it from anywhere around India, so the main thing is to come at Dehradun, not on the main bus stand but the Mussoorie bus stand from where you will get the bus. तो Mussoorie bus stand से आपको बस मिलेगी, ना कि देहरादून के बस स्टैंड से. दैट इज़ द फर्स्ट थिंग. यू विल गेट द बसेज और द कैब और शेयर्ड टैक्सी फ्रॉम मसूरी बस स्टैंड. वहाँ से जाएंगी जो बसें साकरी के लिए जाती हैं, पुरोला के लिए जाती हैं, नौगांव के लिए जाती हैं, मोरी के लिए जाती हैं, चार जगहों के लिए बसेज जाती हैं. तो ये मसूरी वाला रास्ता होके इट विल मूव टू नौगांव एंड ऑल. सो एम ये रहेगा कि आप मॉर्निंग में जल्दी निकलें तो आप शाम को आराम तक साकरी पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको. 5 बजे की लास्ट बस जाती है साकरी की, तो एम होना चाहिए कि वो बस पकड़ लें ताकि आपका एक्स्ट्रा पैसे ना लगे. तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो बस से हम कर नहीं पाए बिकॉज हम थोड़ा लेट हो गए थे. सो वी स्टार्टेड ऑफ विद व्हाट टू से वी स्टार्टेड ऑफ विद द शेयर टैक्सी जो कि मुझे देहरादून मसूरी बस स्टैंड से थोड़ा सा आगे जाके एक आश्रम आता है, जैन आश्रम, वहाँ से मिली है. जैन आश्रम से अगर आप बस या टैक्सी ले सकते हैं, टैक्सी वहाँ से मिलेगी. टैक्सी लेगी 300-350 रुपये लेगी एंड वो आपको नौगांव छोड़ देगी. नौगांव से दो रास्ते जाते हैं, एक बड़कोट को जाता है और एक पुरोला के लिए जाता है. तो नौगांव से आपका नेक्स्ट स्टैंड होना चाहिए पुरोला, अगर मैं डायरेक्ट भी मिल जाती है बहुत बारी बसें तो. नौगांव से आपको पुरोला जाना है, पुरोला से आपको मोरी जाना है, मोरी से आपको साकरी जाना है. एंड आई रियली प्रेफर कि आप लोग शेयर टैक्सी जाएँ रदर देन बस, डायरेक्ट बस लेके सीधा सांगरी पहुँच जाएँ, क्योंकि आपको पूरा एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कैसे आना है और कौन सी जगहें बीच में पड़ती हैं और डिफरेंट सेक्शन दिखेंगे आपको उत्तराखंड के, जहाँ गढ़वाल रीजन से होते हुए आप जौनसार रीजन से होते हुए देन सांकरी के यमुनोत्री रीजन में पहुँच जाएंगे, उत्तरकाशी रीजन कहते हैं जैसे. सो आपको अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे, पहनावा बदलेगा, लोगों का कल्चर बदलेगा, लोगों से मिलना बात करना बहुत अच्छा लगेगा आपको. तो ऐसे आप जा सकते हैं, शेयर टैक्सी से जाइए या बस से जाइए और ज़्यादा लंबा रूट ना लीजिए. पहला रूट आप अगर नौगांव तक लेते भी हैं तो वो भी सही है, नौगांव के बाद आप सीधा क्या कहते हैं वहाँ तक जा सकते हैं डायरेक्टली टू सांकरी ऑल्सो. एक बस मॉर्निंग में भी यहाँ से बस निकलती है, मतलब 5 बजे की बस है, 7 बजे की बस है, दो बसेस का पूछा था मैंने, 7 बजे की बस और एक पुरोला के लिए जाती है 8 बजे. तो 5, 7, 8 का ऑप्शन है आपके पास और वो बसें आपको कम से कम 6 घंटे लगा देगी, या 6 घंटे लगा देगी ऊपर तक पहुँचते, मतलब 2 घंटे या 1.5 बजे तक आप पुरोला या फिर ये तक होंगे और वहाँ से मोरी सांकरी जाने के लिए आपका वो होगा. सो ये आपका ट्रैक ट्रैवल रूट है, आप आराम से इसको फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस रूट में जाने के लिए. हर टाइम आपको बस मिलेगी एक्सेप्ट शाम रात को, मतलब 6 बजे के बाद से इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि उत्तराखंड रीजन में आपको कहीं पे भी गाड़ी वगैरह मिले. सो वो आपको ध्यान रख के स्टार्टिंग में जल्दी से निकलना है. सिमिलरली जब आप वापस आने की सोचेंगे तो वहाँ से 5 बजे एक बस निकलती है और 5:30 बजे एक बस निकलती है, 6:30 बजे और एक और बस निकलती है, मतलब 2 बसेज हैं वहाँ से आने के लिए वापस जो आपको देहरादून छोड़ेगी. और 5 बजे वाली लेंगे तो आप शाम के अराउंड 4 बजे तक देहरादून हो जाएंगे, 4 बजे आप देहरादून में रहेंगे एट वट एवर स्पीड इट इज़, क्योंकि पहाड़ से उतरना चढ़ना है उतना टाइम लगना ही लगना है. सो ये आपको ध्यान में रखना है कि वापस आते टाइम भी आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना. और एक और चीज़ है, या तो आप किसी ट्रैकिंग कंपनी के साथ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, वो आपका मिनिमम मैं कहता हूँ 4500 रुपये में आपका देहरादून टू देहरादून करा देंगे. 4500 इज़ नॉट अ बिग डील, इतना ही आपका जब आप नॉर्मली करोगे तो आपका खर्चा, हम सिर्फ 2 लोगों ने करा था, हमारा खर्चा अराउंड 3800 आया था. सो समहाउ इट वॉज चीपर बट या हमने एक्सपीरियंस खुद लेना था तो इसलिए हमने खुद किया. सो लेट्स स्टार्ट विद आर व्लॉग एंड दिखाता हूँ, चार चार बताता हूँ कि कैसे कहाँ जाना है, क्या करना है, लाइक दैट. मैं ज़्यादा बोल नहीं पाया वीडियोज में बिकॉज I was tired all the way, but yeah, I will try to amend those things. Thank you. This is from the khidki of my bus. I'm going to Dehradun right now. It's 10 p.m. and I'll reach there by 5. So Dehradun से हमने एक शेयर टैक्सी ले ली है नौगांव के लिए. नौगांव के लिए जाना है यहाँ से.
देख लो गाइस। यस पहुंच गए हम। 9 बजे हम निकले थे देहरादून से और हम ये अब जा रहे हैं नौगांव की तरफ। बस नहीं मिली हमें इसलिए हम अब यहाँ पे एक डमटा करके बीच में जगह है वहाँ पे रुके हैं। एक डमटा का बाजार है उसमें घूम रहे हैं। बीच में रुकी है हमारी टाटा सुमो। वहाँ ऊपर की साइड बर्फ पड़ती होगी, देखिए पूरे खाली है। यहाँ नहीं होते चीड़ के पेड़। हाँ, और ये डमटा से निकल के अब हम नौगांव की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे शायद हम लोग 2:30 बजे तक पहुँच जाएंगे। वहाँ से हमें आगे की पकड़नी पड़ेगी बस। और ये है व्यू साइड पर। हम नौगांव आ गए हैं। नौगांव से पुरोला जाएंगे जो कि 18 किलोमीटर है और वहाँ से मोरी एंड देन सांकरी। कैब मिल गई है एंड हियर इज माय बॉय सुखी हेयर। हम 2 लोग हैं एंड आई थिंक आज शाम तक पहुंच ही जाएंगे। यह है नौगांव का मेन बस स्टैंड, सुमो स्टैंड, टाटा सुमो स्टैंड। यहाँ से ऊपर बड़कोट के लिए जाती है जो कि यमुनोत्री का रूट है, राइट साइड से जा रहा है। और ये वाला पुरोला सांकरी के लिए। अब नौगांव से हमें मिल गई है मोरी तक की, मोरी से आगे सांकरी है। तो हम एक बस में चल गए हैं और उस कैब वाले ने मना कर दिया था, वो लेट जा रहा था इसलिए हमने बस में आ गए। सो अब हमने पुरोला से आगे मोरी के लिए बस ले ली है और बहुत उल्टी होने वाली है। आई कैन गेट द फीलिंग बट इट इज़ मोर स्टेबल। Beautiful view of Yamunotri river, देख सकते हैं आप साथ में। हम प्रेफर करें कि आप कैब से बेटर बस में जाएँ बिकॉज इसमें तबीयत भी कम ख़राब होती है एंड मोशन सिकनेस जैसा कुछ ज़्यादा नहीं होता है बिकॉज दे ट्रैवल वेरी स्लो स्लोअर देन द कैब बिकॉज वो पकाते हैं ऑन द टाइम यू विल फील अनइजी। उधर का रहा मैं रहा वो। सो बीच में एक बहुत ही खूबसूरत लाखा मंडल गांव आता है जहाँ पे बहुत सारे शिवलिंग मिलते हैं अभी भी आजकल गांव में दबाए। कहा जाता है कि भीम ने अपने टेंपल वहाँ पे बहुत सारे शिवलिंग दबाए थे। महंगा डिजाइनिंग इंटीरियर डिज़ाइनर बहुत ही खतरनाक था, बहुत मेहनत करी उसने। पुरोला गाँव यहाँ से हमें मोरी जाने के 17-18 किलोमीटर और आगे हैं। सो टोटल जो डिस्टेंस है देहरादून से सांकरी का वो है 200 किलोमीटर और दिल्ली से जो देहरादून है वो 250 किलोमीटर, 450 किलोमीटर की आपकी जर्नी पूरा आपको आराम से 14 से 16 घंटे का। ये हम मोरी के नज़दीक आ गए हैं। मोरी जो कि पुरोला से 18 किलोमीटर से आगे था एंड यहाँ से सांकरी अराउंड पड़ेगा अगेन 24 किलोमीटर। सो मी एंड सुक्की हैव रीच्ड मोरी एंड यहाँ से सांकरी के लिए हम छोटी गाड़ी लेंगे, 24 किलोमीटर दूर है एंड नेक्स्ट टाइम रहेगा सांकरी के लिए। इसके पीछे जाके है अराउंड 24 किलोमीटर्स। अभी यहाँ से आए हैं नौगांव से होके। यहाँ से हरकी दून का ट्रैक भी जाता है हनौल। सो ये है मोरी का मेन बस स्टैंड जहाँ से बस जाती है। 5 बजे वाली बस हमने मिस कर दी है। 5 बजे से बस जाती है जो सांकरी के लिए जाती है। हाँ, हमें टैक्सी शेयर टैक्सी करनी पड़ेगी जो कि हमें अराउंड 1500 से 2000 रुपये पड़ेगी। मोरी आ गए हम। मोरी गांव से अब हमें जाना है सांकरी की तरफ गाड़ी करके। यू कैन सी लेट्स गो करते रहेंगे। यहाँ भी काफ़ी ठंडा है।
Just keep moving. तो साकरी यहाँ से 24 किलोमीटर दूर है, एक प्राइवेट टैक्सी करनी पड़ेगी। ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई व्हीकल्स की, लगातार आते रहते हैं, अगर शाम के 5-6 बजे तक तो इट्स ईजिली अवेलेबल है। बंदे तो पता नहीं कहीं चले गए। तो हम पहुंच गए साकरी रात को 6 बजे, और यहाँ से अब हम रूम ले रहे हैं। होम स्टे, दो लोग मिले थे। वी आर इन द साकरी विलेज राइट नाउ, हम एक होम स्टे के लिए जा रहे हैं। पूरा बर्फ ही बर्फ है सब जगह। हाँ वही देख रहा हूँ मैं, स्लिपरी है पूरे रास्ते में, बर्फ ही बर्फ चारों तरफ, बर्फ ही बर्फ। और ये साकरी गाँव चलते रहेंगे, ऑलरेडी 1 किलोमीटर तो चल दिया यार, घूम से के लिए इतना दूर आना पड़ रहा है। बट बंदा सही लगा तो हम चल दिए, दैट वॉज अ थिंग। पहाड़ी लोग मूव ऑन ट्रस्ट, नथिंग एल्स। और भाई भाई भाई, सो वी टुक अ रूम 4500 एंड 4 बेड हैं यहाँ पे, 2 ही लोग हैं। और ये खाने के साथ हमने 500 रुपये में लिया, तो इट सीम्स अ गुड डील फॉर वन नाइट। फोटोज भी हैं, कुछ हमें एक्स्ट्रा एडवेंचर करना हो। पूरा ही वुडन है बनारा का, सीम्स अ ओके प्लेस फॉर टुडे। लेट्स गो, लेट्स हैव सम रेस्ट टुडे, विल मूव ऑन कल मॉर्निंग। Tomorrow in English. Yeah, tomorrow morning. Why are you smiling like that? No one. I'm crying. Like this. This. So we are ending our day here at Sankri Gaon. 500 rupees mein mere ko Meenakshi homestay mila hai. Yahan pe Bikat Adventures ke log bhi stay karte hain. And 500 rupees mein aapko raat ka khana, subah ka khana dono mila hai. And that is very very good at 500 price. लोग भी बहुत होमली हैं, पहाड़ी लोग हैं, तो there is always an extra touch and बहुत प्यार से रखते हैं। So अब हम कल मॉर्निंग स्टार्ट करेंगे केदारकंठा का ट्रैक फ्रॉम साकरी। साकरी से हम केदारकंठा जाएंगे, अपना परमिट वगैरह लेंगे पहले हम स्टार्टिंग में, एंड परमिट लेंगे दैट वुड कॉस्ट अस अराउंड 300 rupees। तो परमिट लेने के बाद विल मूव अप टू आर फर्स्ट बेस जुड़ा का तालाब। Thank you. Let's move on.